खबर शिवपुरी से आ रही है। नगर पालिका परिषद में परिषद बैठक में सीएमओ से पार्षद मोनिका सडैया वार्ड नंबर 6 ने जब अस्थायी अतिक्रमण और स्थायी अतिक्रमण के बारे में कहा तो सीएमओ बोले कि चालानी कार्यवाही के साथ सामान भी हटाया जाएगा। जैसे जहां कहीं रोड पर फैली रेत ईंट जिसको चालानी कार्यवाही के साथ सामान भी उठाकर ले जाने को कहा और फिर भी जब पार्षद द्वारा स्थायी रूप से हो रहे अतिक्रमण के बारे में पूछा तो सीएमओ केशव सिंह सागर ने कहा कि बाद में बात करेंगे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अतिक्रमण को लेकर कोई भी नगर पालिका के आला अधिकारी द्वारा कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है। फाइन का मतलब ये नहीं है कि उसको वहाँ छोड़ देंगे, अतिक्रमण हटाने के साथ फाइन लिया जाएगा। जैसे आपने रेत की ट्रॉली फैला दी, अस्थायी अतिक्रमण है जो कोई भवन नहीं है, तो रोड पे जैसे ट्रॉली फैला दी आपने, ईंटें पटक दी, तो वो सामग्री हटानी भी आपको है और या हम भर के ले जाएंगे, उस पर जुर्माना भी लेना है। तो परमानेंट वाला नहीं है, अस्थायी वाला है। विभिन्न मार्केटों में स्थित दुकानों की ये मैडम आप कर लें, उसके बाद आप आराम से जैसे प्रस्ताव आते कुछ अगले साल के वित्तीय प्रशासकीय स्थितियों से हैं, ये सब में आप सब चर्चा करें। शहर विकास के लिए आप सभी लोग संकल्पित हैं, हर पार्षद हर व्यक्ति समर्पित है इस काम के लिए। हम लोग आशा करते हैं